हेलो, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की एक खास सीरीज ऑस्कर वाली फिल्में। आज की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। इसे 2020 के ऑस्कर में दो अवार्ड मिले हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला ब्रैड पिट को और दूसरा अवार्ड मिला बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन को। ऐसा क्या खास है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में ब्रैड पिट के किरदार में, अपन आपके साथ डिस्कस करेंगे। दरअसल मैं ये सोचता हूँ कि तुम एक ऐसे छोटे आदमी हो जिसका मोटा मुंह बहुत चलता है और ये बोलते हुए तुमको शर्म आनी चाहिए कि फाइट में कैशियस क्ले के कच्छे पर दाग के एक छींटे से ज़्यादा तुम कुछ भी हो पाओगे। ये डंक मारने जैसी बात ब्रूसली से कहता है बूथ क्लिफ। वो इस फिल्म के दो सबसे अहम कैरेक्टर्स में से एक है। बूथ क्लिफ हॉलीवुड की फिल्मों में स्टंट डबल का काम करता है। एक फिल्म के सेट पर ब्रूसली शेख ही बगार रहा होता है कि वो कितना खतरनाक फाइटर है, उसके हाथ एक लीथल वेपन यानी कि घातक हथियार की तरह हैं। वो कहता है कि अगर उसका और कैशियस क्ले यानी कि महान मोहम्मद अली का मुकाबला होता है तो वो क्ले को अपाहिज बना देगा। और ये सुनकर वहाँ बैठा क्लिफ हंसने लगता है। ब्रूस को बर्दाश्त नहीं होता। ब्रूसली पूछता है, मैंने कुछ फनी बोला है क्या, तुम हंस क्यों रहे हो? पहले क्लिफ टालमटोल करता है लेकिन फिर वो तीखी बात बोलता है जो आपने शुरुआत में सुनी कि मोहम्मद अली के कच्चे पर दाग की छींटे से ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। अब सेट पर बाकी लोग हंसने लगते हैं। ब्रूस की बेइज्जती हो जाती है। वो कहता है, तुम तो मुझे बड़े मुंह वाले लग रहे हो। फिर वो क्लिफ को एक फ्रेंडली फाइट के लिए बुलाता है और इसमें क्लिफ ब्रूस का जो हाल करता है देखने वाला होता है। क्या है इस फिल्म का प्लॉट? ये कहानी लॉस एंजल्स में शुरू होती है, अमेरिका की फिल्मी राजधानी। साल है 1969 का। तब वेस्टर्न फिल्मों का ज़माना था, लेकिन जाने को था। वेस्टर्न फिल्में मतलब ऊंची एड़ी वाले जूते पहने, कमर में पिस्टल, सर पर टोपी, काउबॉय हैट लगाए, घोड़े पर सवार काउबॉयज की फिल्म। ऐसी वेस्टर्न टीवी सीरीज बाउंटी लॉ का स्टार रहा है रिक डॉल्टन। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वो इनसिक्योर होता जा रहा है। कामचोर नहीं है, मेहनती एक्टर है, एफर्ट मारता है, लेकिन कुछ बरस से टीवी शोज में उसे गेस्ट रोल ही मिलते हैं पिटाई खाने वाले विलेंस के। हॉलीवुड में अब नई तरह की फिल्में आ रही हैं, कल्चर चेंज हो रहा है और रिक जैसे एक्टर वो बेरोजगार हो रहे हैं। और घबराहट के ऐसे मौकों पर रिक को संभालता है उसके लंबे समय का स्टंट डबल रहा क्लिफ बूथ। वो उसका ख्याल रखता है, हिम्मत बढ़ाता है, वो दोस्त है, वो ड्राइवर है। क्लिफ किसी बाग बहादुर की तरह है, कैसी भी बात हो डरना नहीं है। और उसने इतने बरस हॉलीवुड में काम किया लेकिन वो अभी भी एक छोटे से ट्रेलर में रहता है जहां उसके फैमिली मेंबर कौन है, एक पिटबुल, खतरनाक कुत्ता। कुछ दिन हुए मशहूर डायरेक्टर रोमन पोलांस्की और उसकी वाइफ शरॉन टेट आकर रिक के पड़ोस में रहने लगे हैं। ये हॉलीवुड का बड़ा नाम है। रिक सोचता है कि काश पोलांस्की की भव्य पार्टियों में उसके लिए भी न्योता आए। लेकिन उसकी लाइफ की कहानी में ये पैरेलल चल रहे एक ख्वाब सा है। असली चैलेंज कुछ और है। रिक के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो यूं ही अमरीकी फिल्मों में साइडी विलेन बनकर मार खाता रहे, जनता के बीच अपनी इमेज खत्म करवा ले, या फिर उसके पास एक और ऑफर है, इटली जाने का और वहाँ पे स्पेगेटी वेस्टर्न मूवीज करने का। स्पेगेटी यानी कि इटालियन। आगे रिक क्या करेगा, क्या सपना पूरा होगा और क्लिफ की लाइफ कहाँ जाएगी, ये सब कहानी में पता चलता है। और आखिरी में क्या है, एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट है। अब अपन इस वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के चार मजेदार सीन्स के बारे में बात करेंगे। हैं बहुत सारे, ज्यादातर क्लिफ के हिस्से आते हैं, कुछ रिक के हिस्से आते हैं। पहला सीन हमने शुरू में बताया, जब बड़बोले ब्रूसली की अकड़ क्लिफ निकालता है। दूसरा सीन जब क्लिफ एक रैंच में जाता है जिसपे कुछ हिप्पियों ने कब्जा कर रखा है। वहां अजीब डर का माहौल होता है। एक आदमी क्लिफ की गाड़ी पंचर कर देता है और फिर क्लिफ क्या करता है, उसकी नाक फोड़ देता है और उसी से अपनी गाड़ी का टायर बदलवाता है। तीसरा सीन तब का है जब रिक को एक कास्टिंग एजेंट उसकी सच्चाई दिखाता है। वो कहता है कि इटालियन फिल्में कर लो वरना कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारा। इस पर डॉल्टन पार्किंग में आकर रोने लगता है। क्लिफ उससे पूछता है, रो क्यों रहे हो? तो वो चिढ़ते हुए कहता है, अगर अपने फेल होते करियर को सामने देख कर भी ना रो तो मुझे समझ नहीं आता कि किस बात पर रो। ये सीन करुणा से भरी हंसी लेकर आता है। चौथा सीन भी काफ़ी फनी है, जब रिक एक खराब शॉट देता है, फिर वो ट्रेलर में आके तोड़फोड़ करता है, खुद को डांटता है, अपनी खिल्ली उड़ाता है। ये कुछ कुछ हमें अमर अकबर एंथनी 1977 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म उसके उस आइकनिक सीन की तरह लगता है जो आईने के सामने हुआ था। रिक बाबू क्या कहते हैं यहाँ पर, लानत है रिक, तुम अपनी लाइनें भूल गए, तुमने उन सब टुच्चे लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा कर दिया।
पूरी रात तुम दारू पी रहे हो, फिर दोबारा पी रहे हो विस्की के 800। क्या घटियापन है ये, तुम एक नीच मूर्ख शराबी हो। बेकार आदमी, अपनी लाइनें याद रखा करो। अब की बार अगर तुमने अपनी लाइनें ठीक नहीं बोली तो मैं आज रात को तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा, समझे? तुम्हारे ब्रेन के टुकड़े तुम्हारे उस घटिया पूल पर बिखरे पड़े होंगे। मैं सच बोल रहा हूं, समझ जाओ। आपने चार सीन्स के बारे में जाना, अब वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस जाबड़ फिल्म को बनाया। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्विंटन टैरेंटिनो, गॉड आदमी है। उनकी फिल्मों का क्रेज शुरू से था। वो पहले एक वीडियो स्टोर में काम करते थे, लोगों को बताते थे स्टोर में किस सब्जेक्ट पे कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। 1992 में उनकी पहली फिल्म आई रिजर्वॉयर डॉग्स, उन्होंने लिखी डायरेक्ट की, स्लीपर हिट रही। इसके बाद पल्प फिक्शन, किल बिल, खून खराबा, हिंसा, उसमें डूबा ह्यूमर और उसके पीछे की ट्रेजेडी उनकी इन कोर वैल्यूज पर बनी फिल्में दुनिया में छा गईं। इतनी छा गईं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उनके नाम का एक शब्द शामिल किया। क्या है ये शब्द? टैरेंटिनोएस्क, यानी टैरेंटिनो जैसी शैली वाली कोई फिल्म। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड उनकी नवीं फिल्म है। टैरेंटिनो ऐलान कर चुके हैं 10वीं फिल्म उनकी आखिरी फिल्म होगी, मैं रिटायर हो जाऊंगा इसके बाद, और इसके बाद मेरे जैसे कई लोगों के मन में थोड़ी सी बेचैनी और बहुत सारा कौतूहल है। एक्टर्स की बात करें तो मूवी में एक्टर रिक डॉल्टन का रोल किया है एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, और स्टंटमैन क्लिफ बने हैं ब्रैड पिट, जिनको ऑस्कर मिला है। लियोनार्डो को हम टाइटैनिक से जानते हैं, ये सबसे फेमस रेफरेंस है। लेकिन आपने कैच मी इफ यू कैन देखी है, इंसेप्शन देखी है, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है, या 2016 की वो फिल्म जिसके लिए लियोनार्डो को फाइनली ऑस्कर मिला था, अलेहांद्रो इनारितु की द रेवेनेंट। क्या कपा देने वाला अभिनय किया था उन्होंने। और ब्रैड पिट ऑस्कर विनर, उनके काम से दुनिया भर के व्यूअर्स वाकिफ हैं। ट्रॉय, ओशियंस 11, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, मनी बॉल, ये सब फिल्में आपको खोज के देखनी चाहिए। और प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने जिन फिल्मों को सपोर्ट किया वो बड़ी कमाल की है। मूनलाइट, द बिग शॉट, वाइस, 12 इयर्स अ स्लेव ने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर भी जीता था। ये नॉवेल भी है, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बार फाइनली ब्रैड को एक और ऑस्कर मिल गया। अब हम लोग फिल्म के क्लाइमेक्स की बात करेंगे, टैरेंटिनो के खेल की बात करेंगे, क्योंकि अब इस फिल्म की कहानी से एक दूसरी सच्ची कहानी में दाखिल होने का वक्त आ गया है। कई लोगों ने कहा कि ये फिल्म गुजरे दिनों के हॉलीवुड को डायरेक्टर टैरेंटिनो का ट्रिब्यूट है, खासकर उस दौर को जिसे गोल्डन एज के आखिरी डेज कहा जाता था। माना जाता है कि 1969 वो साल था जब पुराने हॉलीवुड की नए वाले में तब्दीली हुई। इस फिल्म के कई कैरेक्टर एकदम असली हैं, कई तबके लोगों और एक्टर्स पर बेस कैरेक्टर हैं। और फिल्म की जान क्या है? इसका क्लाइमैक्स क्या है इसमें? अगर आपको स्पॉइलर बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप ये वीडियो यहाँ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिंट मिलने वाला है टैरेंटिनो के खेल का। एक छोटी सी बात बताता हूँ पहले। 1969 के अगस्त में एक ऐसी वारदात हुई जिसने हॉलीवुड में भूचाल ला दिया। पूरा अमरीका खौफ से भर गया, आने वाले दशकों के लिए देश का पॉप कल्चर बदल गया। क्या हुआ था? एक विक्षिप्त आदमी था, उसका नाम था चार्ल्स मैंशन। उसने अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश किया, कहा कि जाकर दुनिया में ऐसी हत्याएं करो कि लोगों की रूह कांप जाए। फॉलोअर्स लॉस एंजल्स के उस इलाके में गए जहां नामी डायरेक्टर रोमन पोलांस्की अपनी वाइफ और हॉलीवुड की चहेती स्टार शेरॉन टेट के साथ रहते थे। उस रात पोलांस्की कहीं गए हुए थे, घर पर शेरॉन थी, कुछ और लोग थे। मैंशन फैमिली के हत्यारों ने उसके घर में घुसपैठ की और नृशंसता का नाच किया। आपको पता है शरण उस वक्त 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ये कातिल माने नहीं, बहुत खौफनाक तरीके से मारा। उस रात के ब्यौरे कपकपा देते हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन क्विंटन ने क्या किया? टैरेंटिनो ने अपनी फिल्म में इस वक्त की हॉलीवुड को रिक्रिएट तो किया, लेकिन अतीत की इस ट्रेजेडी को ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने फिल्म के क्लाइमेक्स में एक अल्टरनेटिव ट्रुथ रचा। उन्होंने बताया कि उस दिन शेरॉन टेट का मर्डर नहीं हुआ, कुछ और हुआ, और उन पागल हथियारों के साथ कुछ खौफनाक हुआ। और वंस अपॉन का यही क्लाइमेक्स टैरेंटिनो का सिग्नेचर है। कहीं ना कहीं फिल्में बनाने का थ्रिल भी ऐसा लगता है कि मैं क्लाइमेक्स बदल दूँ, और ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार किया हो, इससे पहले भी वो हिस्ट्री में अपने हिसाब से तब्दीलियां करते रहे हैं। जैसे 2009 में उनकी फिल्म आई थी ग्लोरियस बास्टर्ड्स, कमाल की फिल्म है। इसमें उन्होंने नाजियों के सर बेसबॉल के बैट से तुड़वाए थे। 2012 में उनकी फिल्म आई थी जेंगो अनचेन्ड,
इसमें एक ब्लैक स्लेव अपने अत्याचारी वाइट मालकों की मौत बनकर आता है। ये इस ऑस्कर सीजन की मस्ट वॉच फिल्मों में से एक है इसी सारे कंटेक्स्ट की वजह से। ऑस्कर वाली फिल्म है ललनटॉप की एक खास सीरीज। इसके अगले एपिसोड में अपन बात करेंगे जोजो रैबिट पर। ये एक बच्चे की कहानी है, हिटलर जिसका दोस्त है और जो बच्चा बड़ा होकर नाजी बनना चाहता है। देखते रहिए दी ललनटॉप।